ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान कृष्ण और शिवजी के बीच में बड़ा ही घमासान युद्ध मचा। जितने भी देवतागण ऊपर से आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे उनके सबके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इतना अद्भुत इतना भीषण ये युद्ध था। हमने ये भी देखा भगवान शिव ने अंत में अपने शिव ज्वर जो अस्त्र था उसका प्रयोग किया। इस अस्त्र का प्रयोग आम तौर पर जब इस संसार का प्रलय होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का तापमान 12 गुना बढ़ जाता है और जिसके द्वारा तापमान बढ़ने से सब कुछ विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाती है। तो भगवान ने उसके प्रतिरोध में अपने नारायण ज्वर उस अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण शिव ज्वर का पूरा तापमान कम हो गया, उसकी शक्ति पूर्ण रूप से क्षीण हो गई। हमने यह भी चर्चा की थी कि किस प्रकार शिव ज्वर जो अस्त्र था उसने एक व्यक्तिगत रूप धारण किया, जिसके तीन सर थे तीन पांव थे। और जब उसने देखा कि भगवान शिव भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तब तुरंत उसकी समझ में आ गया कि मुझे भगवान कृष्ण की ही शरण में जाना पड़ेगा। तो नारायण अस्त्र से अपना बचाव करने के लिए, नारायण ज्वर अस्त्र से, वो स्वयं कृष्ण के पास में गए, उनके पांव पड़ गए और भगवान से अनेकों सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने प्रारंभ की। इन प्रार्थनाओं से पहले दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रसंग हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला ये, हम सोच सकते हैं कि भला भगवान कृष्ण वो यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं और यहाँ पर शिवजी उनके साथ में युद्ध कर रहे हैं, और इस प्रकार के युद्ध से हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या फायदा होगा इसके बारे में समझने से, इसके बारे में सुनने से। भगवान की प्रेम लीलाएं तो हम लोग सुनते हैं समझते हैं, लेकिन इससे क्या हमें कुछ फायदा होगा? तो वेदों के अंदर में बताया है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। देखिए, जब हम किसी इमारत का किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, हम उसके अंदर में अनेकों भौतिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसमें ईंट होती है, सीमेंट होती है, लेकिन वही इमारत वही बिल्डिंग जब हम अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम घर कहते हैं, उसे हम ऑफिस कहते हैं, लेकिन उसी इमारत में उसी बिल्डिंग में अगर भगवान कृष्ण उसके केंद्र हैं तो हम उसको मंदिर कहते हैं। तो देखिए कितना अंतर है, वस्तु वही है लेकिन अगर केंद्र अलग है तो दोनों का फल भी अलग होगा। जब हम किसी इमारत का किसी बिल्डिंग का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, इस भौतिक के भव बंधन में हम फंस जाएंगे, लेकिन वही पदार्थों का प्रयोग जब हम भगवान कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए करते हैं, इस भौतिक संसार से केवल हमारे लिए नहीं, हमारी सात पीढ़ी इस भौतिक संसार से उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से इस युद्ध के अंदर में
केंद्र भगवान कृष्ण है, इसलिए भगवान से जो भी संबंधित है उन सभी संबंधित विषयों को अगर हम समझते हैं, उसको समझने का प्रयास मात्र करते हैं, हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा भागवतम में इस प्रकार के युद्ध का वर्णन, भागवत जो है अमल पुराण है, उसके अंदर में कोई भी कल्मश नहीं है, उसके अंदर में कोई भी भौतिकतावाद नहीं है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शुद्ध पुराण है, भगवान की कथा है, इसलिए उसे भागवत कहा है, भगवान से संबंधित है। दूसरा जो प्रसंग हम समझने का प्रयास करेंगे, हमारे मन में विचार उठ सकता है कि भाई कहीं ये काल्पनिक कथाएं तो नहीं है, यहां पर बताया गया है नारायण ज्वर है और शिव ज्वर है और ये अस्त्र थे और अस्त्र के बाद में उसने व्यक्ति का रूप ले लिया और बाद में जाकर के वो कृष्ण की शरण में चला गया और अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं की, तो ये प्रश्न भी उठ सकता है। वेदों में बताया गया है आध्यात्मिक और भौतिक में यही अंतर होता है। भौतिक संसार के अंदर में आत्मा को छोड़ करके बाकी सब कुछ निर्जीव है, उसके अंदर में चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ये शरीर देख लीजिए, इस शरीर ये पूर्ण रूप से भौतिक है, इसके अंदर में चेतना, आत्मा जो चेतना प्रदान करती है, अगर ये आत्मा निकल जाती है शरीर से, ये शरीर कुछ भी नहीं है, केवल एक भौतिक पदार्थ मात्र है। तो भौतिक संसार में दो चीजें हैं, कुछ चीजें चेतन है, कुछ अचेतन है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में आध्यात्मिक तरीके से अगर हम समझें तो आध्यात्मिक संसार में कुछ भी अचेतन नहीं है, सब कुछ चेतन है, सबके अंदर में चेतना है। ब्रह्म संहिता में कहा है चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा, मतलब जैसे इस संसार के अंदर में हम घर बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं, इस ईंट के अंदर में चेतना नहीं है, लेकिन भगवान का जो धाम है उसमें जो पत्थर लगाया जाता है जिसके द्वारा सब कुछ बना है आध्यात्मिक संसार में, उसे चिंतामणि कहते हैं, लेकिन वो चिंतामणि क्या है, वो पूर्ण रूप से चेतन है। आध्यात्मिक संसार में जो वृक्ष हैं इस भौतिक संसार के वृक्ष से अलग हैं। इस भौतिक संसार में आपको केले के पेड़ से केवल केले के फल मिलेंगे, आपको आम के पेड़ से केवल आम के फल मिलेंगे, आपको आम के पेड़ से केले के फल नहीं मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक संसार में जो भी वृक्ष हैं उसे क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष हैं। मतलब एक ही वृक्ष से आपको जो चाहिए आपके जीवन के अंदर में वो प्राप्ति हो सकती है, ये वेदों के अंदर में बताया गया है। तो इसलिए हमें यह समझना है, आध्यात्मिक तरीके से अगर हम समझें तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस प्रकार से अब शिव ज्वर जो है, उन्होंने व्यक्ति का रूप धारण किया और वो भगवान की शरण में गए और बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने भगवान कृष्ण से की। यहां पर हमें ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग समझना है, शिव ज्वर जो है अब किस अवस्था में है, वो घबराए हुए हैं, उन्होंने देखा है कि मेरे मालिक शिवजी भी जो हैं वो भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए हैं, अतएव अब मुझे जो है कृष्ण की शरण में मात्र जाना है और उनकी शरण मात्र में जाने के पश्चात मेरी जान बच सकती है। तो ये प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। तो ये संस्कृत में प्रार्थनाएं हैं, बड़े ही सुंदर वाक्य शिव ज्वर जो है अपनी तरफ से कहते हैं, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं, ज्वरा उवाच नमामि त्व अनंत शक्तिम, वो कहते हैं हे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमामि त्वम अनंत शक्तिम, आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। ये वेदों के अंदर में भी बताया है, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते,
भगवान के पास में अनंत प्रकार की शक्तियां हैं। इस भौतिक संसार में जो हम शक्ति देखते हैं, आध्यात्मिक संसार में जो शक्ति देखते हैं, जीव शक्ति है, भौतिक शक्ति है, ये सारी शक्तियां, अंतरंग शक्ति है, ये सारी शक्तियां भगवान से ही आती हैं। आगे वो कहते हैं कि हे भगवान, आप परा ईशम है परेशम। ईशम का मतलब होता है नियंत्रण करने वाला, परा ईशम का मतलब होता है आप नियंत्रण करने वालों के भी ऊपर हैं, मतलब आपसे ऊपर और कोई नहीं है। सर्वात्मनाम, और इसके कारण क्योंकि आपके पास में अनंत शक्तियां हैं और आपसे और ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, आपसे ऊपर नियंत्रण करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए आप सभी की आत्मा भी है। इस भौतिक संसार में भी हम ये देख सकते हैं, ये भौतिक शरीर जो है अपने आप कार्य नहीं करता है, इसके अंदर में आत्मा है। आत्मा अगर इससे बाहर निकल गई तो मृत शरीर इसके अंदर में कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये भौतिक संसार सजीव नजर आता है, हम देखते हैं अनेकों प्रकार की इसके अंदर में एक्टिविटी है, क्रियाशील है ये संसार। क्यों है? क्योंकि भगवान हर एक जगह इस भौतिक संसार में, हर एक अणु में, हर एक जीव के हृदय में भगवान वहां पर प्रस्तुत हैं। आगे वो कहते हैं ज्ञाप्ति मात्रम, अगर कोई शक्तिशाली होना चाहता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चेतना। बिना ज्ञान के और बिना चेतना के कुछ भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में एक बड़ी मशीन है, ये मशीन बहुत सुंदर कार्य कर सकती है, बड़ा कार्य कर सकती है, एक रॉकेट है, ऊपर अंतरिक्ष तक जा सकता है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति जो चेतन है, जो सजीव है, जब तक वो बटन नहीं दबाएगा तब तक रॉकेट अपने आप नहीं उड़ सकता है, उसके अंदर में वो शक्ति नहीं है। मतलब उसके भी ऊपर जो शक्ति है वो चेतना है, वो ज्ञान है। तो भगवान आप पूर्ण रूप से ज्ञानी हैं, आप पूर्ण रूप से चेतन हैं। मतलब क्या है यहां पर शिवज्वर जो हैं वो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं। लोग सोचते हैं देवी देवतागण उनके अंदर में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन ये यहां पर निष्कर्ष बता रहे हैं कि भगवान आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। शिवजी हो सकते हैं देवों के देव क्यों ना हो, लेकिन आप उनके भी देव हैं। आगे वो भगवान से कहते हैं, भगवान आप केवलम हैं। केवलम का मतलब होता है जिसके अंदर में भौतिक लेश मात्र भी, उस प्रकार का कोई भी अनर्थ भगवान के अंदर में नहीं है। इस भौतिक संसार के अंदर में हम दो चीजें देख सकते हैं, भौतिक भी है आध्यात्मिक भी है। ये शरीर भौतिक है, अनेकों प्रकार के गंदगियां इस भौतिक संसार में है, काम वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, इनके द्वारा क्या होता है आत्मा दूषित हो जाती है। लेकिन भगवान के अंदर में इस प्रकार की कोई भी भौतिक गंदगी नहीं है, भगवान केवलम है। और अगर हम भी भगवान के स्पर्श में आ जाते हैं हम भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकते हैं। आगे कहते हैं विश्व उत्पत्ति स्थान समरोध हेतुम, भगवान शिवजी के अंदर में बहुत सारी ताकतें हैं जिसके द्वारा वो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास में भी बहुत ज्ञान है जिसके द्वारा वो पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आप इन सब के भी उद्गम हैं। ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करने वाले आप हैं, शिव जी को शक्ति प्रदान करने वाले आप हैं, और
हो सकता है कि हम कुछ बना तो दें, कुछ बिगाड़ तो दें। जैसे मान लीजिए बच्चे पैदा करना आसान बात है, लेकिन बच्चों का पालन करना वो कठिन है। बच्चों को मारना भी आसान कार्य है, जन्म देना भी आसान कार्य है, लेकिन पालना बड़ा मुश्किल है। वो कार्य भगवान स्वयं अपने विस्तार, अपने अंश विष्णु के रूप में स्वयं करते हैं। आगे वो कहते हैं, यद तद ब्रह्मा लिंगम। ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। वो बताते हैं कि वेदों के अंदर में भगवान के ही गुण गाए गए हैं। यहाँ पर भी जहाँ तक अगर उसमें लिखा है डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से कि भगवान निराकार है, वो वेदों के वाक्य नहीं है। और आगे उनकी क्या सुंदर प्रार्थनाएं हैं, इसको हम समझने का प्रयास अगली कथा में करेंगे।